हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ए बी के ऊपर एक पॉइंट है पी और ए सी के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। और ये पी क्यू और बी सी पैरेलल है, ठीक है। अब आगे प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ए डी मीडियन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ए डी मीडियन है तो हमें प्रूव करना है कि ए डी जो कि बी सी को तो बाइसेक्ट करता ही है, वो पी क्यू को भी बाइसेक्ट करता होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले हम इस ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। कोई भी दो एंगल को इक्वल दिखाएंगे इन ट्राइंगल ए पी ई एंड ट्राइंगल ए बी डी। इसका जो एंगल पी ए है और इसका जो एंगल ए है वो दोनों इक्वल है। रीज़न क्या है, कॉमन एंगल्स। इसका जो एंगल पी है ए पी ई का और इसका जो एंगल बी है ए बी डी का, वो दोनों इक्वल है। रीज़न करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी। जब ए पी ई और ए बी डी सिमिलर हो गया तो फिर हम लिख सकते हैं कि पी ई बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए डी। ठीक है, तो पी ई बाई बी डी किसके इक्वल हो गया, ए ई बाई ए डी के इक्वल हो गया। यहाँ पर आप ब्रैकेट में रीजन लिख लें, सिंस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रपोर्शनल। और ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। ठीक है, तो पी ई बाई बी डी तो हो गया ए ई बाई ए डी के इक्वल। अब इसको और इस पूरे ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे तो उसे ई क्यू बाई डी सी भी हो जाएगा ए ई बाई ए डी के इक्वल। ठीक है, आइए इन ट्राइंगल ए ई क्यू एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों के अंदर जो एंगल ए है वो कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ब्रैकेट में रीजन कॉमन। और इसका जो एंगल ई है ए ई क्यू का, वो इसके एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, ई इज इक्वल टू डी भी दिखा सकते हैं आप, या फिर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी भी दिखा सकते हैं। दोनों का सेम ही रीजन होगा, दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने दो एंगल्स को सिमिलर दिखा दिया है, इक्वल दिखा दिया है। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये जो ट्राइंगल है ए ई क्यू वो हो गया सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। तो ई क्यू बाई डी सी का आंसर चाहिए था, वो हमें मिल गया। ई क्यू बाई डी सी किसके इक्वल हो गया, ये भी हो गया ए ई बाई ए डी के इक्वल। ब्रैकेट में रीजन, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रपोर्शनल। इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन टू। ठीक है, तो अभी पी ई बाई बी डी हुआ था ए ई बाई ए डी के इक्वल, और अब ई क्यू बाई डी सी भी हो गया ए ई बाई ए डी के इक्वल। तो इक्वेशन वन एंड टू से हम कह सकते हैं कि पी ई बाई बी डी किसके इक्वल हो गया, ये हो गया ई क्यू बाई डी सी के इक्वल। ठीक है, आइए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, पी ई बाई बी डी ये था ए ई बाई ए डी के इक्वल, और अब ए ई बाई ए डी हो गया ई क्यू बाई डी सी के इक्वल। तो पी ई बाई बी डी हो गया ई क्यू बाई डी सी के इक्वल। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फिर, पी ई बाई डी सी इज इक्वल टू ई क्यू बाई डी सी, ब्रैकेट में रीजन, सिंस बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी क्यों है, सिंस ए डी इज द मीडियन। अब ये डी सी डी सी को हम कट कर देंगे। जैसे डी सी डी सी कट हो गया तो पी ई इज इक्वल टू ई क्यू प्रूव हो गया। जैसे ही पी ई इज इक्वल टू ई क्यू प्रूव हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। यही प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, थैंक यू गाइस। और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें।